भोपाल में लोकसभा चुनाव भगवा रंग में रंगता जा रहा है। भगवाधारी साध्वी का जवाब देने के लिए दिग्विजय सिंह भी भगवा झंडा लेकर निकल चुके हैं। उनके साथ में नारे लगाते साधु संत भी चुनावी मैदान पर आ गए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के समर्थन में सैकड़ों साधुओं के साथ धूनी रमाने वाले कंप्यूटर बाबा ने बुधवार को दिग्विजय सिंह के समर्थन में रोड शो किया था। दिग्गज दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के भगवा एजेंडे की काट के लिए कंप्यूटर बाबा का सहारा लिया है। कंप्यूटर बाबा कभी शिवराज सिंह के नाम की माला जपते थे, उनके राज में मान्यता प्राप्त मंत्री थे, लेकिन अब दिग्विजय के साथ रोड शो कर रहे हैं, उन्हें जिताने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। भोपाल पर पैनी नजर रखने वाले राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि दिग्विजय सिंह दिखाना चाहते हैं कि वह भी हिंदुत्व के उतने ही बड़े समर्थक हैं जितनी की प्रज्ञा ठाकुर। वह प्रज्ञा ठाकुर से आगे निकलने की होड़ में हैं। दो धुर विरोधियों के आमने सामने होने से भोपाल की चुनावी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। जहां भगवा के खिलाफ भगवा है, यह लड़ाई इतनी ज्यादा भगवा हो चुकी है कि दिग्विजय सिंह के रोड शो में सादा वर्दी में पुलिसकर्मी भी भगवा साफा पहनकर तैनात दिखते हैं। दिग्विजय सिंह की जीत के लिए कंप्यूटर बाबा ने भगवा धारियों के साथ रोड शो किया। भीषण गर्मी के बीच रोड शो के दौरान पूरे समय दिग्विजय सिंह भी साधुओं के साथ पैदल चलते रहे। वहीं साध्वी प्रज्ञा भी भगवा आतंक को अपना हथियार बना रही हैं। उन्होंने इसे धर्म युद्ध का नाम दिया है। हम धर्म युद्ध के लिए निकले हैं। हम किसी भी चीज को कठिन नहीं मानते हैं। हम अपने उद्देश्य को लेकर निकले हैं और जिसका पक्ष धर्म का होता है, सत्य का होता है और सबके कल्याण का होता है, वो निश्चित रूप से पक्ष अच्छा होता है। हमारा वही पक्ष है। साध्वी ठाकुर ने कहा था कि भगवा को जिस कांग्रेस ने आतंक कहा है, वो मेरा मुख्य विषय है। मुझे इन्होंने बहुत प्रताड़ित किया है। कल ये लोग स्त्री आतंकवादी भी कह सकते हैं। कांग्रेस के द्वारा जो भगवा को आतंक कहा है, आतंकवाद कहा है, हिंदुत्व को आतंकवाद कहा है, ये विषय मुख्य है, क्योंकि एक स्त्री की प्रताड़ना मुझे और कानून का उल्लंघन, ये जो इन्होंने एक षड्यंत्र पूर्वक किया है, वो लेकर के भी मैं समाज में जाने वाली हूँ। मुझे स्वयं को जितना प्रताड़ित किया है, मुझे लगता है कि ऐसे परतंत्र काल में भी किसी को नहीं किया होगा। इसलिए ये जो चीजें हैं, जो मैं एक बात कहती हूँ, जो आज मेरे साथ हुआ, आज से 10 वर्ष पहले जो मेरे साथ हुआ है, मैं कैसे गारंटी दूं कि समाज में और किसी के साथ नहीं हो सकता। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ जुटे साधु संतों के जमावड़े से कह सकते हैं कि भोपाल का कांग्रेसी भगवाकरण हो गया है। दिग्विजय सिंह भोपाल की सड़कों पर जनसंपर्क कर रहे हैं तो प्रज्ञा ठाकुर भी उनसे पीछे नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह इस सिलसिले में कुछ आगे निकलते दिख रहे हैं। उधर साध्वी प्रज्ञा के समर्थन में बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी रोड शो किया। इस तरह भोपाल में अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में भारी गहमा गहमी देखने को मिली। अमित शाह के साथ प्रज्ञा ठाकुर थी। यह रोड शो भोपाल में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन था। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के समर्थन में साधु संतों के रोड शो ने एक अनोखा माहौल बना दिया। यहां पर साध्वी प्रज्ञा और दिग्विजय सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। चुनावी सीजन में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही जमकर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं।